बच्चों, आज मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के सेकंड चैप्टर का सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपके 70% से निकाल दिया गया है, इसलिए सेकंड चैप्टर आज रिवीजन करवा रहे हो। तो सबसे पहले तो आप सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन कब से स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। तो आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, पहले भी आपने देखा होगा कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसके बाद में जब अंग्रेज अपनी पूरी तरह से हमारे भारत में रहने लगे और उनकी जो क्रियाकलाप थे उनको देखकर हमारे जो भारतीय थे उनमें बहुत परिवर्तन आया। तो उसी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको समझाना है कि सांस्कृतिक परिवर्तन होता कैसे है और कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो पहले इसका अर्थ समझिए, सांस्कृतिक परिवर्तन से आई पराय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति के लोग या जनजाति के लोग, अन्य समूह या उच्च जातियों के मतलब जातियों का विशेषकर उनके जीवन शैली से और उनकी अनुष्ठान और ये आदर्श विचार को लेकर उनकी नकल करना प्रारंभ कर दिया। तो ये क्या करा कि उन्होंने डेवलपमेंट अपने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए मतलब इस संस्कृति उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाना चालू कर दिया। तो यही सांस्कृतिक परिवर्तन वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मतलब क्योंकि अब मैं जी बता दूँ तो आपको कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। आपने देखा होगा कि पहले इतिहास बताता है कि निम्न जातियों के जो लोग थे उन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना साथ में अनुष्ठान करने का यानी भोजन करने का अधिकार था, वो साथ में भोजन भी नहीं कर सकते थे और ना ही कोई धार्मिक स्थल पर जाते थे, उन्हें बड़ी हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। तो उनकी जीवन था एक निराशापूर्ण था और उन्हें आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कंपनियों को खोला यहाँ पर, और जब कंपनी को खोला तो ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि मतलब हरी पोस्ट पे उच्च जातियों के लोग रहे, ऐसा नहीं है, उन्होंने सबको एक समान अधिकार दिया और उन्हें मौका दिया, यहाँ तक कि लिंग भेद भी नहीं था वहाँ पर, और गर्ल्स को बॉयज को सबको मतलब एक समान समझकर। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे देश में भी परिवर्तन होना चालू स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए दूसरा चैप्टर आपका दे रखा है सांस्कृतिक परिवर्तन, उसके बारे में पूरा बताऊंगी। अब आप देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन को चार भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं। नंबर एक सांस्कृतिकरण, ठीक है ना, और दूसरा है पश्चिमीकरण, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता और चौथा है आधुनिकीकरण, ठीक है, इन चरणों में बांटा गया है। अब मैं आपको एक एक चरण को पूर्ण रूप से बताऊंगी जिससे कि आपके एक नहीं अनेक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सुनिए कि सांस्कृतिकरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर एक, संस्कृति केवल ब्राह्मणीकरण नहीं है। तो आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था कि ब्रह्मा से उत्पत्ति चार वर्णों की हुई थी, नंबर एक ब्राह्मण, नंबर दो क्षत्रिय, नंबर तीन वैश्य और नंबर चार शूद्र। तो उनसे हटकर है, ऐसा नहीं है पहले स्टार्टिंग में हमारे समाज का वितरण हुआ था, तो इसी कारण ब्रह्मा से मतलब इन्होंने लिखा है कि यशपाल जी ने लिखा है कि इस तरीके से हुआ था। लेकिन जब हमारे देश में संस्कृतिकरण विस्तार से होने लगा तो उसमें तो कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं रहा, सबको मौका मिला, ठीक है ना, मतलब अपने कार्य से विशेषता, अपने जीवन में विशेषता, आर्थिक सामाजिक उन्नति लाने के लिए सबको मौका मिला, कोई ब्राह्मणीकरण नहीं। और संस्कृतिकरण की दूसरी विशेषता है कि संस्कृति के कई प्रारूप हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही में डल जाए व्यक्ति, नहीं, किसी भी वजह से अपने आप को डेवलपमेंट करके और किसी भी मतलब अच्छा बनकर शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, किसी के माध्यम से अच्छा बनकर, कई संस्कृतिकरण के कई प्रारूप है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन शैली को ऊपर बढ़ा सकते हैं।
नंबर तीन है उच्च जातियों का अनुसरण करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसमें कि उच्च जातियों निम्न लोग क्या करते थे कि उन उच्च जातियों का अनुसरण करते थे, मतलब जैसे वो खाते पीते हैं, जैसे रहते हैं, जैसे पढ़ना है, यानी उनके साथ साथ रहकर खुद को डेवलपमेंट करना, तो ये क्या है संस्कृतिकरण की विशेषता है। पदमूलक परिवर्तन, अब आप समझिए कि पहले मौका नहीं था और जब अंग्रेज आए उसके बाद में मौका मिला है ना पढ़ने का भी, मतलब वैसे तो अत्याचार बहुत करते थे लेकिन कहीं तक उनकी संस्कृति हमारे देश से कहीं बहुत अलग थी। पहले देखिए सती प्रथा 1920 की राजा राम मोहन राय ने आप, मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया था, तो ये चीज ना फर्स्ट ईयर इंटर को दोनों को मिक्स करके आपको रखना है कि जहाँ पॉइंट आता है तो वहाँ समझने की आपको जरूरत है। तो पदमूलक परिवर्तन, जब मतलब एक व्यक्ति चाहे वो निम्न जाति का क्यों नहीं हो, जब उसमें अच्छा मतलब शिक्षा का ज्ञान पूरा एजुकेशन है, अच्छी रहन सहन है, तो उसका पद तो अपने आप ही अलग हो जाएगा। और वर्तमान में तो आपने देखा ही है कि ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अच्छे से अच्छे जॉब पर जा रहे हैं जिससे उनके घर का खान पान रहन सहन ये सब चीज़ अलग हो जाती है और उन्हें पद भी अच्छा ही मिलता है जिसके कारण उनकी समाज में पहचान बनती है, ठीक है ना। तो आपको ये तो संस्कृतिकरण की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी, और नहीं आए तो फिर भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब संस्कृतिकरण के निम्न जातियों पर क्या प्रभाव रहा, मतलब बात तो ऊपर से वही चल रही है कि संस्कृतिकरण का प्रभाव परिवर्तन हुआ क्यों, मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो परिवर्तन क्यों हुआ। हुआ इसीलिए कि पहले कई लोग निम्न जातियों के जनजातियों के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करते थे, उन्हें हर चीज़ से वंचित रखना पड़ता रखा जाता था, तो इसके कारण जनजातियों पर निम्न जाति या जनजातियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। नंबर एक, संस्कृतिकरण से निम्न जातियों की स्थिति में सुधार आया, जैसे जैसे हमारी संस्कृति डेवलपमेंट होती गई, सबको अधिकार होता रहा, सबको पढ़ने का मौका मिला, तो क्या हुआ उनकी स्थिति में सुधार ऑटोमेटिक है। अगर एक किसी के घर में अगर जॉब लगती है बच्चे की तो उसका जीवन सफल हो जाता है, या अच्छा बिजनेस चलता है, या समाज में अच्छी पहचान होती है, तो उसकी स्थिति अपने आप सुधरने लगती है। इस प्रकार निम्न जातियों की स्थिति में सुधार आया। तीसरा है, सांस्कृतिकरण से निम्न जातियों में गतिशीलता बढ़ी, गतिशीलता अपने आप बढ़ेगी जब उन्हें मौका मिलेगा पढ़ने का, या देखो व्यवसाय सबके साथ बैठने का, सबके साथ अपनी विचार विमर्श करने का, तो गतिशीलता तो उनकी जिंदगी में अपने आप बढ़ जाती है। नहीं तो वन की वही थमे हुए थे कि उन्हें मंदिर में नहीं जाना पड़ता, नहीं जा सकते थे, और वो घर पर भी बिना अनुमति के ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उनकी हर क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ गई है। अब संस्कृतिकरण से निम्न जातियों सांस्कृतिकरण से व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन, तो मैंने आपको बताया ना कि मतलब जब व्यक्ति में ज्ञान बढ़ता है, जब समाज उसे पूछता है, तो चारों तरफ से विकास होता है। अब व्यवसाय में भी इस व्यवसाय की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है, नहीं तो वही था कि जिस जाति में जन्म लिया है जिन जिंदगी भर उसी जाति में वो वही कार्य करेगा, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। ऐसा जब सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ तो सबकी स्थिति में सुधार भी हो गया। अब नंबर चौथा है, सांस्कृतिकरण से धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव। पहले क्या था कि ये लोग मंदिर में अनुष्ठानों में एकत्रित नहीं होते थे, अब देखिए सब हर जगह जाते हैं, हर मंदिर की स्थापना हर क्षेत्र में होती है और सब पूजा पाठ करते हैं और सम्मिलित रहते हैं, समूह की तरह जाते हैं। आपने देखा